बहू के हाथों से बर्तन धोने पर सबसे जल्दी घर में बर्बादी क्यों आती है जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी महिलाओं की उन दो गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी अपना डेरा जमा लेती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार बहू के हाथों द्वारा बर्तन धोने पर सबसे जल्दी घर में गरीबी क्यों आती है और क्यों घर बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि पति को भी कुछ भी हो सकता है। हिंदू धर्म में घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नर्क बना सकती है। बहू बेटियों की कुछ आदतें घर परिवार में जहाँ दरिद्रता के लिए जिम्मेदार होती है, तो वही कुछ आदतें ऐसी भी होती है जो घर में सुख और समृद्धि लाती है। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो लक्ष्मी की तरह घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए। घर की औरतों को ये दो काम नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो घर की महिलाएं ही होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकती है। पत्नी के रूप में जहाँ एक महिला हर कदम पर अपने पति का साथ देती है और उसे जीवन का सही मार्ग दिखाती है, तो वही बेटी के रूप में वो लक्ष्मी के समान होती है। आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि एक सफल व्यक्ति के पीछे महिला का ही हाथ होता है। आज हम आपको वो दो काम बताने जा रहे हैं जिन्हें घर की महिलाओं को नहीं करने चाहिए। घर की औरतों को ये दो काम नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आपकी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आ रही हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको असफलता मिल रही है, तो हो सकता है कि इन सब की वजह आपके घर में हर रोज होने वाली ये काम हो। घर की महिलाओं की इन आदतों और कामों की वजह से भी आपकी किस्मत खराब हो सकती है। तो आइए जानते हैं घर की महिलाओं की वो कौन सी आदतें हैं जो घर परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर एक, जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। नंबर दो, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन गैस पर रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर तीन, जिस घर की महिलाएं पैर की ठोकर से दरवाजा खोलती है, वहां से भी धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो तुरंत रोक लें। दोस्तों नंबर चार, अगर घर की कोई भी महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों हिंदू शास्त्र में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर पाँच, घर की महिलाएं अगर रात में रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोती है तो ये गरीबी को दावत देने जैसा है, ऐसा ना होने दें। नंबर छह, घर की सुख शांति के लिए हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगवाएं, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिस घर की महिलाएं प्रातः काल के बजाय रात या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इस आदत को बदल लीजिए। नंबर सात, अगर किसी घर की महिला को देर रात तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकती है। देर तक सोने वाली स्त्रियां अपने पति और उसके परिवार व ससुराल के लोगों की असफलता का कारण बनती है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमक मांगने पर हाथ में देते हैं और उन्हें खुद भी नमक चाहिए होता है तो उसे हाथ में लेते हैं। ये आदत माँ लक्ष्मी को कतई पसंद नहीं है। हमेशा जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे किसी पात्र में रख कर दे, हाथ में भूल कर भी किसी को नमक ना दे। एक बात का और ध्यान रखे कि शाम के वक्त ना ही किसी को नमक उधार दे और ना ही किसी से नमक उधार ले। रात के वक्त बाल और नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि रात के वक्त अशुभ शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है, इसीलिए रात के वक्त बाल और नाखून काटने से आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं रात में माँ लक्ष्मी भी ऐसा करने से अप्रसन्न होती है और आपके पास धन की कमी होने लगती है, इसीलिए आप भी ऐसा करते हैं तो अब ऐसा करना छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर कभी कोई बात याद आने पर भोजन बीच में ही छोड़कर आप उठ जाते हैं तो समझ लीजिए ये एक बहुत ही बुरी आदत है। भोजन हमेशा पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही उठना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाएंगी। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं रहती जो भोजन को बीच में ही छोड़कर उठ जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा भी ऐसे लोगों से नाराज हो जाती है। दोस्तों रसोई घर घर का सबसे मुख्य भाग होता है। यहाँ पर हम सुबह का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, यहाँ तक कि मेहमानों के लिए भी यहीं से भोजन बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रसोई घर से कैसे दोष उत्पन्न होता है?
अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर एक, रसोई घर में पड़े झूठे बर्तन। रसोई घर में पड़े रात के झूठे बर्तन घर में गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झूठे बर्तनों को नहीं धो सकता वो कभी भी सफल ही नहीं हो सकता। वास्तुशास्त्र में रसोई घर में रखे साफ बर्तनों का बहुत ही महत्व है। वहीं रात के झूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ देने पर कीड़े मकोड़े रात भर बर्तनों पर अपनी गंध छोड़ते हैं, जिसके कारण परिवार में मनमुटाव, बच्चों का बीमार पड़ जाना और घर के कमाने वाले पर सबसे जल्दी बुरा असर पड़ता है। और जहां पर रात को झूठे बर्तन धो दिए जाते हैं तो वहां पर माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन आजकल के आधुनिक दौर में सब इतना बिजी हैं कि आपने देखा होगा कि घर की बहुएं आजकल बर्तन सुबह धोती है, रात में ऐसे ही छोड़ देती है और यही आदत घर की बर्बादी का कारण बनती है। इसीलिए घर की बहुओं को, घर की महिलाओं को बर्तन धोते समय ये गलती नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे में घर की बहुओं द्वारा घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों नंबर दो, रसोई घर में रखे चाकू छुरी। वास्तु के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने रसोई घर में ज्यादा नुकीले और धारदार बड़े बड़े चाकू छुरी कभी भी नहीं रखने चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। रसोई घर में ना उपयोग होने वाला चाकू कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रसोई में आप कभी भी चाकू रखें तो एक दो से ज्यादा कभी ना रखें। लेकिन हाँ, चाकू में लगा हुआ हैंडल लकड़ी का ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर थ्री, रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ बर्तन बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और बढ़ जाती है और गरीबी अस्थायी रूप से उस घर में अपना वास बना लेती है। इसीलिए टूटे हुए बर्तन रसोई घर से तुरंत बाहर कर दें। दोस्तों नंबर चार, साफ सुथरा रसोई घर। दोस्तों, आपका रसोई घर आपके घर की संपन्नता को दर्शाता है। रसोई घर व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। आपको बता दें कि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए इसे साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिस घर में खास तौर से रसोई घर को प्राथमिकता दी जाती है, साफ सफाई रखी जाती है और हाथ जोड़कर रसोई घर में प्रवेश किया जाता है तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। दोस्तों नंबर पाँच, रसोई घर के सामने कभी भी झाड़ू पोछा नहीं डालना चाहिए और कभी भी कम रोशनी वाला बल्ब नहीं होना चाहिए। रोशनी व हवा का अच्छे से प्रबंध होना चाहिए। तेज रोशनी वाली लाइट लगी होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाने के लिए रसोई में रात के समय किसी जग या गिलास या बड़े बर्तन में पानी भरकर रखने से ही व्यक्ति का भाग्य 10 गुना चमकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।